लखनऊ में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने गुरु नानक देव की जयंती पर बधाई दी। उन्होंने कहा, सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। ये साधना का पर्व है, लोक कल्याण और जनसेवा ही धर्म है। सिख गुरुओं का बलिदान सर्वोपरि है। आज मुझे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाने का सौभाग्य मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग, बलिदान, भक्ति, शक्ति, साधना देश और धर्म के लिए अनुकरणीय है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गुरु नानक जी का प्रकाश फैला है। उन्होंने लोक कल्याण और साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, एक पक्ष भक्ति के माध्यम से साधना का है तो वहीं दूसरा पक्ष भक्ति के माध्यम से लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। जात पात और अन्य संकीर्ण विचारों से मुक्त रहकर कार्य करने की प्रेरणा हमें गुरु नानक देव जी से मिलती है। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा साहिब प्रबंध कमेटी सरदार जसवीर सिंह चड्डा जी, प्रधान साहिब सरदार जलजीत सिंह बेदी जी, कोषाध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह दुग्गल जी, सेक्रेटरी सरदार जगजीत सिंह जी, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, आज के समारोह में यहां पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। प्रकाश पर्व हम सब के जीवन में गुरु कृपा से इसी प्रकार का प्रकाश पहुंचाता रहे, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।